आइए दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। संडे आ चुका है दोस्तों, और आज बात करेंगे वीकली टेक अपडेट के बारे में। आज बहुत सारा अपडेट है। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सबसे जो पहला अपडेट है दोस्तों, गैलेक्सी AI के बारे में। आपको पता है S24 सीरीज के साथ सैमसंग ने दोस्तों गैलेक्सी AI को इंट्रोड्यूस किया था, और अब बताया जा रहा है दोस्तों कि सैमसंग कुछ फोन्स में इस नए फीचर्स को जो है पुश करने वाला है। जैसे कि दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज है, फोल्ड 5 है, फ्लिप 5 है, या टैब S9 है, इन सारे फोन और टैब में जो है इसको बहुत जल्द पुश करने वाला है One UI 6.1 के साथ। और बताया जा रहा है कि 2024 के मिड में, जून या जुलाई के महीने में, इन सारे फोन और टैब में आपको ये अपडेट मिल जाएगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों, Realme GT Neo 6 के बारे में है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि चाइना में ये मार्च या अप्रैल के महीने में लॉन्च हो सकता है। Snapdragon 8 Gen 2 देखने को मिलेगा, मेटल फ्रेम के साथ आने वाला है, OLED डिस्प्ले होगा, और चाइना में जो इसका प्राइस है दोस्तों, बताया जा रहा है कि 2000 युआन के आसपास में होगा। अगर आप इसको इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करोगे तो 23,500 रुपये लगभग होता है। देखना होगा दोस्तों कि जब ये फ़ोन इंडिया में आएगा तो किस प्राइस पे आएगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। Google Pixel 9 का दोस्तों रेंडर्स लीक हो गया, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, इस तरीके का डिजाइन होगा, फ्लैट यहाँ पे फ्रेम आपको देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि Android 15 के साथ आने वाला है। बाकी दोस्तों, आपको Google Pixel 9 का ये डिजाइन कैसा लगा? मुझे तो डिजाइन बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कॉमेंट में आप मुझे जरूर से बता सकते हैं। अगला जो अपडेट है दोस्तों, लावा यूवा 4 प्रो 5G के बारे में है। जी हाँ, इस फोन का दोस्तों लाइव इमेज लीक हो गया, स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें आपको डायमेंसिटी 6080 के साथ आने वाला, 50 का आपको रियर कैमरा मिल जाएगा, एंड्रॉयड 13 के साथ आने वाला है, और इंडिया में जो इसका प्राइस है दोस्तों अराउंड 10,000 के आसपास में हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों, जब आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। Realme 12 Pro Plus 5G का दोस्तों बॉक्स प्राइस लीक हो गया है, अराउंड 35,000 रुपये के आसपास बॉक्स पर प्राइस प्रिंटेड था, 8GB 128GB वेरिएंट का। सो इससे दोस्तों उम्मीद किया जा रहा है कि ये जो फ़ोन है इंडिया में अराउंड 30-31,000 रुपये से शुरू हो सकता है। Realme 12 Pro Plus 5G की बात कर रहा हूँ, बाकी Realme 12 Pro का जो प्राइस है 26-27,000 से शुरू होना चाहिए, मे बी 28 भी जा सकता है। लेट्स सी दोस्तों, देखते हैं 29 जनवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, तब आपको सारा चीज़ मालूम चल जाएगा। सो फाइनली दोस्तों, OnePlus 12 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो गया है। प्राइस बहुत ही अच्छा रखा गया है, OnePlus 12R का जो इंडियन प्राइस है 40,000 रुपये से शुरू होता है, 8GB 128GB, Snapdragon 8 Gen 2 के साथ आता है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, 2024 में दोस्तों 30,000 से अगर ऊपर फ़ोन आता है तो 8256 मिनिमम होना चाहिए था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चूक हो गया है। और दूसरा जो फ़ोन है दोस्तों OnePlus 12, ये भी दोस्तों 65,000 रुपये से शुरू होता है, 12GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज, Snapdragon 8 Gen 3 के साथ आता है। बाकी दोस्तों, आपको OnePlus 12 सीरीज का प्राइस कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, Realme 12 Pro सीरीज इंडिया में 29 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, और अब दोस्तों इस सीरीज का एक और फ़ोन इंडिया के BIS पे लिस्ट हो गया है, Realme 12 Plus 5G। इसमें बताया जा रहा है कि Android 14 आपको देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा, 16 का सेल्फी कैमरा होगा, 5000mAh का बैटरी। बाकी दोस्तों, कौन से प्रोसेसर के साथ आएगा, क्या प्राइसिंग होगा, अभी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये जो फ़ोन है इंडिया में आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। अगला जो अपडेट है दोस्तों, व्हाट्सएप की तरफ से आ रहा है, और ये अपडेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे, तो अब आप दोस्तों आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हैं उनके साथ। जी हाँ, तो ये जो अपडेट है दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको ये अपडेट कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये जो अपडेट है, व्हाट्सएप बहुत ही जल्द इसको रोल आउट करना शुरू कर देगा। अगला जो अपडेट है फ्लिपकार्ट के बारे में, एक फ्रॉड हो गया है। जी हाँ, 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप उसने ऑर्डर किया था, किसी एक बंदे ने किया था, एक्स पे जो है ट्वीट किया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ। उसको जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है दोस्तों, बहुत ही पुराना गंदा सा है, ये भी आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। सो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब भी आप प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑर्डर करें, ओपन बॉक्स डिलीवरी जो है करें, तो इससे जो है आपका जो पैसा है वो बच सकता है। अदरवाइज दोस्तों, फ्रॉड की कमी नहीं है दुनिया में, बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, इवन मेरे साथ भी हो गया था। तो इससे बचने के लिए अच्छा है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी आप कर सकते हैं। Google Pixel 8a का बॉक्स लीक हो गया है, जी हाँ, स्क्रीन पे देख लीजिए, डुअल रियर कैमरा के साथ आने वाला है। और रिसेंटली दोस्तों, ये Geekbench स्कोर पे भी स्पॉट किया गया था, इसको 8GB रैम, Android 14 के साथ आने वाला है, 27W फास्टिंग सपोर्ट के साथ आने वाला है,
अब देखते हैं दोस्तों कि Google Pixel 8 जो फोन है ये कब तक लॉन्च होता है। वैसे आपको क्या लगता है कब तक इसको Google लॉन्च कर सकता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। Iconeo 9 Pro 5G आपको पता है इंडिया में 22 फरवरी को लॉन्च होने वाला है। अब इसका दोस्तों इंडिया प्राइस लीक हो गया है, बताया जा रहा है इंडिया में दो वेरिएंट में आने वाला है। 8GB 256GB इसका बेस वेरिएंट होगा और दूसरा वेरिएंट होगा 12GB 256GB। इंडिया में प्राइस बताया जा रहा है दोस्तों कि अराउंड 40,000 रुपये के आसपास में हो सकता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है Iconeo 9 Pro 5G इंडिया में किस प्राइस पर लॉन्च हो सकता है, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। सैमसंग दोस्तों इंडिया में बहुत ही जल्द दो फोन को लॉन्च कर सकता है, सैमसंग गैलेक्सी F15 और M15। रिसेंटली ये दोनों ही फोन को दोस्तों इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पर स्पॉट कर लिया गया है। दोनों में ही दोस्तों आपको डायमेंसिटी 6100 प्लस देखने को मिलेगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, 5000mAh का बैटरी होगा, 25W फास्टिंग सपोर्ट के साथ आएगा। बाकी दोस्तों क्या प्राइजिंग होगा, कब लॉन्च होगा, अभी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगला जो अपडेट है दोस्तों Xiaomi की तरफ से आ रहा है। आपको पता है रिसेंटली चाइना में Xiaomi 14 सीरीज लॉन्च हुआ था और ये फोन दोस्तों इंडिया के BIS पे भी लिस्ट हो गया है, बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अब बताया जा रहा है दोस्तों कि Xiaomi 15 सीरीज जो आएगा दोस्तों ये Snapdragon 8 Gen 4 के साथ आने वाला है। बाकी दोस्तों और इसके स्पेक्स एंड लॉन्च डेट के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक ये फोन चाइना में लॉन्च हो सकता है और नेक्स्ट ईयर आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों MediaTek की तरफ से आ रहा है, डायमेंसिटी 9400 जो इनका प्रोसेसर आने वाला है ये दोस्तों 3nm पे आएगा और इसमें जो प्राइम कोर है आपको कॉर्टेक्स X5 वाला देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये वीकली टेक अपडेट आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।